हाय हेलो दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको जो बताऊंगा कि आप अपने YouTube वीडियोस के लिए सबटाइटल्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। एंड आपको जो और एक चीज़ बतानी थी कि ये जो सबटाइटल्स को ऐड करने से आपको जो क्या बेनिफिट है। तो फॉर एग्जांपल आप वीडियो बनाते हो हिंदी लैंग्वेज के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा अराउंड 90% तो लोग हैं वो हिंदी पर ही बेस्ड रहे, तो आपको जो 99% ज़्यादा ट्रैफिक आएगी वो इंडिया से ही आएगी, इंडिया एंड पाकिस्तान से ही आएगी, बाकी कंट्री से नहीं आ सकती। तो इसलिए आप कुछ ना आपको क्या करना है कि आप सबटाइटल्स ऐड करते हैं। फॉर द एग्जांपल आप वीडियो बनाते हैं हिंदी के लिए एंड आपने सबटाइटल्स को ऐड किया है इंग्लिश पर, तो अराउंड ऑल ओवर दूसरी कंट्रीज पर भी आपका वीडियो रैंक हो सकता है। एंड इफ़ आपका वीडियो उन सभी बंदों को पता चलता है कि कुछ ये भी बंदा जो वीडियो बना रहा है तो सबटाइटल्स भी हमें समझ पर आ रहा है, तो वो लोग आपको जो सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। फॉर द एग्जांपल आप इधर देख सकते हैं आशीष चंद्रालानी भाई का मैंने वीडियो को ओपन किया हुआ है, तो आप ये इन भाई ने वीडियो बनाते हैं हिंदी पर, तो इनका एक्सप्लेनेशन सब कुछ सबटाइटल्स पर भी रहता है, वो इंग्लिश पर रहता है। तो आप कुछ इसी तरह से आप अपनी यूट्यूब वीडियोस पर सबटाइटल्स को ऐड कर एंड अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं। एंड आपके जो ऑटोमेटिकली वो सब्सक्राइबर्स हो या फिर वॉच टाइम हो वो भी ऑटोमेटिकली ग्रोथ होता जाएगा। तो आपको जो ये सब कुछ आपको जो फुल टू फुल टिप्स आपको जो बताऊँगा, मीन्स आपको जो क्या क्या स्टेप्स है वो जो फॉलो करना है वो सब कुछ आपको बताऊँगा। तो आपको जो फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है कि आपको जो सिंपली से अपने YouTube चैनल पर YouTube स्टूडियो पर आ जाना, तो YouTube स्टूडियो पर आने के लिए आपको जो सिंपली से अपने YouTube चैनल को लॉगिन कर लेना पड़ेगा। एंड उसको लॉगिन करने के बाद वो चैनल बटन पर आप जैसे जो क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस तरह से डैशबोर्ड पर आप आ जाएंगे। तो इधर आपको जो क्या करना है कि आपको जो वीडियो की सेक्शन आपको जो जाना है, क्योंकि हम वीडियोज़ के लिए ही सबटाइटल्स को ऐड कर रहे हैं, तो आपको जो उस वीडियो को चूज़ करना है किस वीडियो पर आप सबटाइटल्स को ऐड करना चाहते हैं। तो फॉर द एग्जांपल मैं अभी इस वीडियो को ही चूज़ कर लेता हूँ। सबटाइटल्स को ऐड करने के लिए आपको जो ऐड लैंग्वेज वाले बटन पर क्लिक करना है, तो ऐड लैंग्वेज बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जो किस लैंग्वेज पर आप सबटाइटल्स को ऐड करना चाहते हो तो उस सबटाइटल मीन्स उस लैंग्वेज को चूज़ करना है। तो फॉर द एग्जांपल आप इंग्लिश या हिंदी या उर्दू आप कोई भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। फॉर द एग्जांपल मैं अभी इंग्लिश को ही चूज़ किया है, तो आप अपने टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन को भी आप चेंज कर सकते हो अपनी सबटाइटल्स लैंग्वेज के लिए। तो एंड अपने यूट्यूब वीडियोस पर सबटाइटल्स को ऐड करने के लिए आपको जो इधर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, तो आपको जो इधर आप स्पीच कर भी अपने सबटाइटल्स को है उसको ऐड कर सकते हैं। ये कोई इजी होता है तो इजी स्टेप्स होता है तो आप बोल कर भी आप सबटाइटल्स को ऐड कर सकते हैं। एंड आपको जो थोड़ा आप लिख कर हम जो सबटाइटल्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको भी आप उसी स्टेप से भी आप कर सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं इधर टाइम पीरियड भी आपको जो शो कर रहा है, मीन्स किस टाइम से किस टाइम तक आपको जो सबटाइटल्स है वो ऐड करना है वो भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो फॉर द एग्जांपल मैं अभी कुछ थोड़ा टेक्स्ट को ऐड कर देता हूँ। तो एंड आप इधर अपनी यूट्यूब वीडियो मीन्स फॉर द आप कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं एंड कहाँ से आप सबटाइटल्स को ऐड करना चाहते हैं वो सब कुछ टाइमलाइन पर आप सेटअप कर सकते हैं। तो फॉर द एग्जांपल मैं अभी इधर लिख देता हूँ, तो कुछ एक थोड़ा टेक्स्ट है तो मैं अभी लिख देता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो सब्सक्राइब कर ही जाना तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो आप इधर देख सकते हैं मैंने जो जैसे जो टाइप करते आ रहा हूँ, तो इधर आप देख सकते हो ये जो थोड़ा ब्लैक सेक्शन पर हमारा जो कुछ भी टाइप किया वाला टेक्स्ट है वो इधर शो कर रहा है। तो आप कुछ इसी तरह से अपनी YouTube वीडियोस के लिए सबटाइटल्स को ऐड कर सकते हैं, वो भी काफ़ी टाइम विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर। अपनी ये जो डिपेंड करता है आपकी YouTube वीडियोस की लेंथ पर, YouTube वीडियो का लेंथ मीन्स आपने कितना टाइम की वीडियो बनाई है तो उस टाइम पर ये जो मेजरेबल होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो इस वीडियो पसंद आई होगी
एंड आपको जो क्या करना है कि सब कुछ आपने सब टाइटल्स को डाल देने के बाद आपको पब्लिश वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं फ़िलहाल के लिए सब टाइटल्स ऐड नहीं करने वाला, तो इसको मैंने क्लोज कर दिया है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तभी तक बाय एंड शुक्रिया सपोर्ट करते।